जय हिंद एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ्स इन 30 मिनट की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ही ईमानदारी से रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों से मेरी शिकायत ये है कि आप मैथ्स को बहुत हल्के में ले रहे हो। देखो यार, 20 नंबर का मैथ आपके NTSC में आने वाला है और वो आपको केवल ये 30 मिनट की थ्योरी देखने से नहीं आएगी, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा गुरु। देखो, आप मैथ्स कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई करना नहीं जानते हो ना, तो फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन लगाओगे तो फिर सोचोगे यार फॉर्मूला तो याद है यार, लेकिन इसको करा कैसे जाता है, इसमें अप्रोच क्या होता है, अरे यार ये सवाल तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो उसको सीखने के लिए जो शाम में हम लोग यार आपके लिए प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं, उसका मतलब समझिए। ये जो सारी चीजें हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर, उसको वहां एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आधे घंटे 15 मिनट में आपको कोई किसी मैथ्स का एक चैप्टर फिनिश नहीं होता है, उससे केवल रिवीजन होता है, क्विक रिवीजन कि आपका इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो आपको आकर मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ सवाल लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग इसको करते जा रहे हो। हाँ भैया, लेटे लेटे एक वीडियो आई, लीनियर इक्वेशन मेरा हो गया भैया रिवीजन, नहीं ऐसे नहीं होगा। जो प्रैक्टिस सेशन लगाया जा रहा है उसमें आइए, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं उसी हिसाब से आप अपनी मेहनत शो करिए। पेपर जब चाहे तब हो, अरे पेपर का क्या यार, पेपर आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, अरे मत हो, आप सीख कितना रहे हो। लीनियर इक्वेशंस अगर आपका मजबूत रहेगा, जब 11th में आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ोगे तो वहां पे आपको मजा आएगा, टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल, तो उसके लिए आप पढ़िए ना। आपको 10th पढ़ के रुकना थोड़ी है, 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, वहां पे जाके आपको मेहनत करनी है, उसके लिए तैयार कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 30 मिनट। 30 मिनट की वीडियो कहते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन बहुत ईजी चैप्टर है, वो बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाएगा, ठीक। और शाम 5 बजे इसका प्रैक्टिस सेशन है, वो अनअकैडमी की फ्री क्लासेस पर होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, केवल लिंक पर क्लिक करके क्लास में एनरोल करना होता है, कोई कोड मांगा जाता है तो KishanTen यूज कर लेना होता है। वो पेड क्लासेस थोड़ी होती है कि उसके लिए आपको पे करना है, भैया कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, जो फ्री क्लासेस चलाई जा रही है उनका यूज करिए, ठीक है। नहीं बाद में आके आप शिकायत यही करोगे कि भैया यार आप तो सही समय पे सब कुछ करवा रहे थे बट हमने नहीं किया, ठीक है। चलो, तो लीनियर इक्वेशन आपको पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स उसमें दिखाई दे उसकी डिग्री 1 हो, जैसे मैं लिख दूं AX+B = 0, इसमें 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल कौन है, वो एक्स है, और डिग्री कितनी है इसकी, 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। अब अगर यहीं पे मैं लिख दूं AX+BY+C = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन 1 डिग्री वाला ही है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये 2 वेरिएबल वाला है, एक्स और वाई यहां पर 2 वेरिएबल है, तो इसलिए यहां पर हम किसको क्या कहेंगे, 2 वेरिएबल। और जो ये लीनियर इक्वेशन होती है ना, इसमें ABC क्या होते हैं, ये सभी के सभी रियल नंबर्स होते हैं, और जो XY होता है इसकी पावर आपको 1 होती है, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो हमेशा लीनियर बनता है। लीनियर कहने का मतलब होता है कि एकदम स्ट्रेट लाइन, जैसे ऐसे बन जाएगी या फिर ऐसे बन जाएगी या फिर ऐसे बन जाएगी या फिर ऐसे बन जाएगी, हमेशा लीनियर होता है इसका ग्राफ, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, कुछ पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। इफ B = 0, इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म AX+C = 0, इट इज लाइन पैरेलल टू Y-axis। कहना का ये मतलब हो गया कि अगर वाई की वैल्यू 0 हो गई तो X = यहां से क्या आएगा, X = -C/A, मतलब X = -C/A एक पॉइंट होगा जहां पर वो लाइन इस प्रकार से होगी, तो वो स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्लियर है। तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई, AX+C = 0। अब देखो, मैं इतना अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन का आता होगा कि कैसे कैसे ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उतना भी नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत होगी मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, इसी तरह अगर हम क्या करें, A = 0 कर दे तो वो लाइन अब किसके पैरेलल हो जाएगी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे यहां पर वाई की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी -C/B, तो वो कम से कम या तो ये वाली लाइन होगी या तो ये वाली लाइन होगी या तो ये वाली लाइन होगी या तो ये वाली लाइन होगी, ये डिपेंड करता है कि सी और बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो वो लाइन किसके पैरेलल होगी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, क्लियर। अगर सी हमारा 0 है, कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इट इज लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। एक्स और वाई कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर AX+BY के फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन मिलता है तो वो हमेशा लाइन कहां से पास करती है, ओरिजिन से, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे कुछ है नहीं इस चैप्टर में, तो लेकिन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, तो सिंगल लीनियर इक्वेशन अगर आपको लिखा जाता है तो आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो AX+BY+C = 0, ठीक है। अब इसमें एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज पुट करते हो तो आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता हुआ मिलता है।
अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इनको सॉल्व करने पर दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के तीन तरीके, दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है ग्राफिकल तरीके से आप सॉल्व करिए, दूसरा होता है एल्जेब्रिक मेथड से। लेकिन उससे पहले जब आपके सामने ये दो इक्वेशन आ रहे होंगे तो इनको देखकर आप पता कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को देखकर आप पता कर सकते हैं कि भाई ये इसके एक सॉल्यूशन निकलेगा, इसके ढेर सारे सॉल्यूशन निकलेंगे कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। क्योंकि भैया ये कैसे पॉसिबल है, उसके लिए कुछ फॉर्मूला आपको बताया गया है, याद रखिएगा। जैसे कि अगर आपको मिलता है ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आप क्या करिएगा, फटाफट ए वन बी वन सी वन की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ए टू बी टू सी टू की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, इस कंडीशन में आपको इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है केवल और केवल वन सॉल्यूशन, मतलब एक सिंगल पेयर आपको x और y का मिलेगा जो इसका सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ आप जब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग होंगे, क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, ठीक है। फटाफट से रिवाइज कर लीजिए, ये होंगे इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और इन्हें कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इन्हें क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमें मिला है, ठीक है। चलिए ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर आपका ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू मिलता है, मतलब ये वाली कंडीशन अगर आपको अराइज होती है तो वो कंडीशन कहता है कि इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। और जब आप उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रिलाई करेंगे, एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन्स रहेंगी, तो यहां पर आपको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये भी कंडीशन ऑफ द सॉल्यूशन कौन सा होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। इसे इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मुझे एक बार को रिवाइज करना, याद करना पड़ेगा, इसे क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट साइड कहते हैं ना। चलो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, बहुत ज्यादा। और जिस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन मिलते हैं तो उसे आप कहते हैं वो दोनों कंडीशन क्या हुई, यहाँ पे कंसिस्टेंट हुई, ठीक है। चलिए तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब आपको कोई भी सॉल्यूशन न मिले तो उस कंडीशन में आपको जो कंडीशन दिखाई देती है वो होती है ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन ए टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। इस कंडीशन में आपका ग्राफ जो बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है और आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि जब लाइन एक दूसरे से टच ही नहीं कर रही तो आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ये होता है आपका कंडीशन इनकंसिस्टेंट का, ठीक है, ये शो करते हैं इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। चलिए ये मतलब आपने दो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिली उनको देखकर आप बता सकते हैं कि आपको सॉल्यूशन किस प्रकार से मिलेगा, कि आपको सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आपको ये पता चल गया कि भैया सॉल्यूशन मिलेगा तो आप उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका होता है आपका ग्राफिकल तरीका, ठीक है, ग्राफिकल तरीका, और दूसरा तरीका होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, तरीका मतलब सेम चीज है। सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन जो a1 upon a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 है और है आपका a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 है, इन दोनों इक्वेशन को इस ग्राफ पे, ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, इस पर प्लॉट करना पड़ेगा। मान लीजिए एक लाइन आपने यहाँ प्लॉट की, दूसरी लाइन आपने यहाँ प्लॉट की, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है ना, ये एक्स कॉमा वाई, यही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, दोनों लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ कर देना है और आपको जहां पे ये दोनों एक दूसरे से मीट करें वो सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप ग्राफिकल में अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो आप कहोगे भैया इसके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, अगर आपका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बन गया कुछ इस प्रकार से बन रहा तो आपको समझ में आ जाएगी यार इसके ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे। अच्छा ढेर सारे सॉल्यूशन क्यों होंगे, क्योंकि आपको हर पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग मिल रहा है, पता नहीं कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब एल्जेब्रिक मेथड आपको यहां से मैं ओरली बोल दूंगा, लेकिन आपको इसको सीखने के लिए इस पर ढेर सारे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, उसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे इस पर बेस्ड में सवाल कराऊंगा जो कि बहुत बेहतर बेहतर बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊंगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, ए वन ए टू वाले इतने बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम आते हैं जो आपको एनटीएससी में देखने को मिलते हैं, तो मेक श्योर आप क्लास जो प्रैक्टिस सेशन वाली होती है ना उसे जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है।
ठीक। चलिए तो पहला मेथड कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन होती है, किसी पहले इक्वेशन में से एक्स या वैल्यू की वैल्यू हम लोग निकालते हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन को सामने लिखते हैं और उसमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, पहले उनके कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं, तो जो दूसरा वेरिएबल बचता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जब वैल्यू आ गई है उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से हमारी दूसरी वैल्यू आ जाती है, ठीक। तीसरा कहता है कि भैया मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसको आज मैं बहुत बढ़िया से आपको समझा दूंगा। जो मेथड आपको बताऊंगा वो आपको याद कर लेना है, ठीक है। बड़े बड़े सवालों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बड़ी हेल्प करती है। जैसे आपके सामने ये लिख दिया गया दो इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 और दूसरा लिख दिया गया a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is equal to 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ x यहाँ दिखना है y और यहाँ दिखना है 1, ठीक है। और हमेशा कोशिश क्या करेंगे, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में सवाल को सॉल्व करेंगे। इक्वल टू है ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ लगाइए इक्वल टू और इसके नीचे ऐसे लाइन खींचेगा, इसके नीचे ऐसे लाइन खींचेगा, इसके ऐसे नीचे लाइन। अब x के नीचे लिखना है आपको, तो x की दोनों वैल्यू उनको छुपा लीजिए। अब ये जो दोनों कोफिशिएंट दिख रहे हैं b1 c2 लेफ्ट टू राइट b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, b2 c1, ठीक है। मैं इसको बढ़िया से कर लूं, नहीं तो बाद में आप लोग कंफ्यूज होंगे। एक सेकंड, पक्का मैं नहीं चाहता हूं कि आपको बाद में कंफ्यूजन हो किसी प्रकार से। यू हो जाएगा आपका b2 c1। अब y में तो y के कोफिशिएंट y को छुपा लीजिए, a1 c2 माइनस a2 c1। रुकिए रुकिए, मैं कहीं गलती नहीं करूंगा, ब्रैकेट लगाइएगा बाहर, माइनस जरूर लिख लीजिएगा, y में ऐसी चीजें होती है। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म लिख रहे हैं, तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1 कर लेना है आपको। अब बच्चे सोचते हैं कि भैया यहाँ पे माइनस हो गया, हमें कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, कई कई किताबों में आपको कुछ इस प्रकार से मिलता होगा, xy1, ठीक है, अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1, और y में क्या मिलता होगा, a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है, फिर आराम से उसको लिखना है। x के नीचे लिख रहे हैं तो x के दोनों को छुपा लीजिए, b1 c2 माइनस b2 c1। y लिख रहे हैं तो a1 c2 माइनस a2 c1 पूरा ब्रैकेट में माइनस कर लीजिएगा, या फिर ऊपर पहले से ही माइनस लगा लीजिएगा। अब वन में वही a1 b2 माइनस a2 b1, हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे। कुछ बच्चे ये याद करते हैं ये तरीका, तो उनके लिए क्या रहेगा, पहले में लेफ्ट टू राइट, फिर दूसरे में राइट टू लेफ्ट करना पड़ता है, वाई में लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। तो ऐसा कंफ्यूजन आप पैदा मत करिएगा, यही एक मेथड याद रखिएगा, वाई में बीच में माइनस आ जाता है। अब इतना करने के बाद क्या करना पड़ता है, इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एक्स को एक बार आप वन से इसको इसके साथ कंपेयर करिए, ठीक है। यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट निकल के आ रही होगी, ये कांस्टेंट होगी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर x की वैल्यू निकल गई तो एक बार y को इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर तीन क्वांटिटी a = b = c है, तो इसका मतलब होता है कि a = c एंड b = c, ठीक है। तो सेम काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, और आपको इस तरह से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो कभी कभी बड़े सवाल जो थोड़े से टफ होते हैं, जिसमें a b c d इस तरह के कोफिशिएंट दिखाई देते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सबसे आसान होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बेसिकली आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका था ग्राफिकल मेथड, दूसरा तरीका था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस पर वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, बेसिक मैथ के बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं, वो इस मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, और सभी प्रकार के सवाल हम आज के शाम के सेशन में लगाएंगे। तो मेक श्योर कि सभी के सभी बच्चे सेशन में मौजूद रहें, ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा इतना पढ़ाने का, ठीक है। चलिए तो 5 बजे सेशन में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, 5 बजे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल रही होगी, और आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई कोड मांगा जाएगा तो किशन टेन यूज कर लीजिएगा, और हाँ आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। और कैसा लग रहा है इस सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम आप अपने कंटेंट को और बेहतर बना सके। जो भी आपको कमी लग रही है उनको जरूर बताया करें, हम उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, और कोई पिछली वीडियो देखनी होगी तो 30 मिनट इन मैथ की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय।